सो ये मैच जो है इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच होने जा रही है। ये मैच कहाँ पे होने जा रही है, पिच रिपोर्ट कैसे होने वाला है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक टीम मिल जाती है, जिस टीम में मिलते हैं आपको 5 से 6 टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन और फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये सेकेंड T20 फर्स्ट मैच होने जा रही है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच, ठीक है। 11 o'clock इंडियन टाइम में PM में होने जा रही है, यानी कि नाइट में होने जा रही है ये मैच, ठीक है। ये मैच सितंबर 13 को होने जा रही है, जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा। ये मैच कहाँ पे होने जा रहा है उसके बारे में वेन्यू स्टेट्स वगैरह देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ये मैच जो है सोफिया गार्डन्स में होने जा रही है। यहाँ की पिच रिपोर्ट की बात करें तो पिच जो है यहाँ पे जो है बॉलिंग पिच है, बॉलिंग को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और स्पिनर्स और नए बॉल को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। जो भी नए बॉल आते हैं, जो भी नए बॉल से बॉल करते हैं, वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा विकेट निकाल के जा सकते हैं। जैसे आपने देखा कल यहाँ पे लियाम लिविंगस्टन ने अच्छे खासे विकेट निकाले हैं स्पिन करा के, और आपको भी पता है अच्छे खासे स्विंग करा लेते हैं लियाम लिविंगस्टन, और राउंडर हैं, बॉलिंग भी करते हैं बैटिंग भी करते हैं, तो दोनों ही काफ़ी अच्छे करे हैं कल। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे जो है बॉलर को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, और मैंने बोला था जोफ्रा आर्चर लियाम लिविंगस्टन इनको अपने टीम में रखने के लिए, साथ में कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। दोबारा से आप जाके देख सकते हैं, टीम भी हमने टेलीग्राम पर दी हुई थी, और हमारा यहाँ पे जो टीम आपको दिए हुए थे वहाँ पे 5 से 6 टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन काफ़ी अच्छा था। अब दोबारा से चेकआउट कर सकते हैं, उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, ठीक है। रन जो है काफ़ी कम बनते हैं, फिर भी यहाँ पे ट्रेविस हेड ने अच्छे खासे रन मारे थे कल, ठीक है। तो इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, किसको अपने टीम में सेलेक्ट करना है, किसको ड्रॉप करना है उसके बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि टोटल मैचेस 9 हुए हैं, बैटिंग फर्स्ट करने वालों ने यहाँ पे 3 मैचेस विन किए हैं, बॉलिंग फर्स्ट करने वालों ने यहाँ पे 6 मैचेस विन किए हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो बॉलिंग फर्स्ट करने आएंगे वो यहाँ पे ज़्यादा मैचेस विन करके जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बॉलिंग वाले मैच विन करके जा सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो यहाँ पे बैटिंग करके भी मैच विन करके जा सकती है, और इंग्लैंड भी ऐसा टीम है जो कि बराबर का टक्कर दे रहा है ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से प्लेयर को ड्रॉप करना है, किसको सेलेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो टोटल टाइम ऐसे 0 हुए हैं, एवरेज स्कोर 150 तक जो है बन सकता है, और हाईएस्ट स्कोर की बात करें 207 बने हैं 3 विकेट के नुकसान पे, लोवेस्ट स्कोर जो है 89 है 10 विकेट के नुकसान पे, ठीक है। अब यहाँ पे स्कोरिंग पैटर्न देखें तो 150 के नीचे जो है यहाँ पे 5 टाइम रन बने, 150-69 के बीच जो है यहाँ पे 0 टाइम, 170-89 के बीच जो है 3 टाइम, और 190 के अबव जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 टाइम रन बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा 150, तो 150 के आसपास जो है यहाँ पे 5 टाइम रन बने, तो हम एक एवरेज लेके चलेंगे कि 150 के आसपास ही रन बनेंगे इस पिच पे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे, और बन भी सकते हैं तो 160 के आसपास बनेंगे, उससे ज्यादा नहीं बनेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा वेदर रिपोर्ट और प्रीवियस इनिंग स्कोर, उसके बारे में बात कर लेते हो। तो यहाँ पे वेदर रिपोर्ट जो है 6 डिग्री सेल्सियस क्लाउडी वेदर रहने वाला है, 51% क्लाउड आपको देखने को मिलेगा, रेन परसेंटेज 0 है, बारिश होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, और यहाँ पे विंड स्पीड जो है 10 km/h की स्पीड से चलने वाली है। फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग की प्रीवियस इनिंग स्कोर की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा एवरेज जो स्कोर है 150 है, और एवरेज विकेट जो है 6 है, और एवरेज स्ट्राइक रेट जो है यहाँ पे 125 देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे एवरेज स्कोर आपको देखने को मिल रहा होगा सेकंड इनिंग का 141 है, एवरेज विकेट जो है यहाँ पे 5 है, और एवरेज स्ट्राइक रेट जो है यहाँ पे 132 है। तो जो भी यहाँ पे सेकंड में खेलने आएंगे वो यहाँ पे मैच विन करके जाने वाले हैं, जो भी बैटिंग सेकंड आएंगे वो यहाँ पे मैच विन करके जाने वाले हैं, और बॉलिंग जो फर्स्ट आएंगे वो मैच विन करके जाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ का पिच ही वैसा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बाकी बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया जो है ऐसा टीम है जो कि यहाँ पे मैच को विन कर सकता है, लेकिन फिर भी देखते हैं किसके चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ पे पॉसिबल 11 इंग्लैंड की बात करें तो फ्लिप शॉर्ट को आप अपने टीम में जरूर से जरूर रख लीजिएगा, और एक टीम में आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर लीजिएगा, आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जॉर्डन कॉक्स को आप अपने टीम में सेलेक्ट कर सकते हैं, लियाम लिविंगस्टन को कैप्टन वाइस कैप्टन कर लीजिएगा एक टीम में, जो कि काफी अच्छे प्लेयर हैं, आपने देखा 3 विकेट लिए, साथ में यहाँ 39 या 49 के आसपास रन भी बनाए इन्होंने, और यहाँ पे आपने देखा जैकब बैथल जो है उतने अच्छे खास कुछ कर नहीं पाए, लेकिन इनको भी चाहे तो आप अपने टीम में रिस्क के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। सैम करन को आपको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा जोफ्रा आर्चर जो कि 2 विकेट लिए हैं, तो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं, नहीं कर रहे हैं तो आप अपने टीम में लेके चले, आपके लिए बेस्ट रहेगा। और यहाँ पे शाकिब मोहम्मद जो कि अच्छे खासे विकेट लिए हैं, तो इनको भी आप अपने टीम में लेके चले और कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं, लिविंगस्टन और महमूद को, ठीक है। तो इन दोनों को अगर आप अपने टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन कर लेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, उससे भी अच्छा आपके लिए रहेगा
आगे बताएंगे कि किसको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है रिस्क में और सेफ में, वो भी आपको मिल जाएगी। तो आदिल रशीद ऐसे प्लेयर हैं जो कि आपको अच्छे खासे विकेट निकाल के दे सकते हैं, एक से दो विकेट, ठीक है। तो इनको आप अपनी टीम में सेलेक्ट कर लेंगे सिर्फ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से है जिसको आप अपनी टीम में सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पांच से छह टीम बना रहे हैं तो आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने में दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं पॉसिबल 11 ऑस्ट्रेलिया की। तो ट्रेविस हेड एक ऐसा प्लेयर है जो कि काफी एग्रेसिव मूड में खेलते हैं और उतने ये यहाँ पे डिफेंस करके नहीं खेलते, फिर भी ये कम बॉल पे अच्छे खासे रन बना के चल जाते हैं। तो भाई इनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर लेना, आपको ये काफी अच्छा पॉइंट जो है देखे जा सकता है, ठीक है। फ्रेजर मैकगर को आप चाहे तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। यहाँ पे कैमरन ग्रीन को आप अपनी टीम में रख लेंगे और यहाँ पे मार्कस स्टोनिस को आप अपनी टीम में रख लेंगे। कल भी आपने देखा मार्कस स्टोनिस ने एक विकेट निकाले हैं, तो इनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। अच्छे खासे बैटिंग और बॉलिंग कर लेते हैं मार्कस स्टोनिस, डिफेंस करके खेलते हैं, तो इनको आप अपनी टीम में सेलेक्ट कर सकते हैं। जॉस इंग्लिस भाई, इसको तो आप अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन कर ही लेना जॉस इंग्लिस को। और अगर नहीं भी कर रहे हो तो फिर भी यहाँ पे विकेट कीपर में जॉस इंग्लिस को ही सिलेक्ट करना, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं जॉस हेजलवुड, हेजलवुड को आप रख सकते हैं। जंपा एडम जंपा को आप अपने टीम में रख सकते हैं। सीन एबॉट को आप अपने टीम में सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की। तो सीन एबॉट को कैप्टन वाइस कैप्टन कर लेना, एडम जंपा को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं स्मॉल लीग वाले में, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हो जाता है जिसको आप अपने टीम में सेलेक्ट कर लेंगे, जितने हमने सर्कल लगाए उसको आपको अपने टीम में सेलेक्ट करना है। अब बात करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल की। तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको एसएल और जीएल के टीम मिल जाते हैं कुछ इस तरह से, और हमारे सोशल मीडिया के लिंक लगे हुए हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो है आईडी कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे, @इंडियन यूट्यूबर दीपक जैन, फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल है। आप इसे सर्च करके भी जा सकते हैं, लेकिन सर्च करने से होगा ये आप कहीं दूसरे चैनल पे पहुंच जाएंगे जो कि हमारा चैनल नहीं होगा। वहां पे नंबर वगैरह या फिर प्राइम मेंबरशिप वगैरह चलाई जाती है, तो फेक चैनल पे आप पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए आपको बोलते हैं कि आप सर्च करके ना जाएं, सिर्फ और सिर्फ लिंक से जाएं। लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप हमें ज्वाइन करें। बिल्कुल फ्री में आपको टीम दी जाएगी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की। आप चाहें तो जाके देख सकते हैं आयरलैंड वोमेन्स और इंग्लैंड वोमेन्स के बीच जो मैच हुई थी, उसमें जो विनिंग जिसके हुए हैं, जिन्होंने 50 लाख या फिर 1 करोड़ विन करे हैं, उसका कितना पॉइंट है, तो 700 समथिंग पॉइंट है और मेरे 889 पॉइंट है। तो आप ही देख सकते हो कि मेरा पॉइंट कितना है और उनका पॉइंट जो है कितना है। तो मैं जो टीम देता हूँ उस टीम से आप एसएल आराम से या फिर जीएल भी विन कर सकते हो। तो अगर आप मेरे टीम से जाते हो तो आप अच्छे खासे अमाउंट विन कर पाओगे। अगर आप एसएल में खेलते हो तो कोई बात नहीं, वहाँ तो आप विन करोगे ही करोगे, लेकिन अगर आप जीएल खेलते हो तो वहाँ भी विन कर सकते हो और अच्छे खासे अमाउंट विन कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से है जिसको आपको ज्वाइन कर लेना हमारे टेलीग्राम चैनल को, ठीक है। तो ये हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बात करते हैं, तो यहाँ पे 50-50% चांसेस हैं दोनों के, लेकिन मेरी प्रिडिक्शन ये है कि ये मैच भी ऑस्ट्रेलिया विन करके जाने वाली है, ठीक है। रिसेंट मैचेस की बात करें तो यहाँ पे 3 मैचेस विन करके रखे हुए हैं ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंट के। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मैचेस लूज करे और यहाँ पे जो है इन्होंने भी 3 मैचेस विन करे हैं, ठीक है। रिसेंट के मैच जो है इंग्लैंड ने लूज करा है, आपको भी पता है। तो कुछ इस तरह से है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा स्मॉल लीग के प्लेयर जो कि आपको एसएल आराम से विन करा के दे सकता है। अब यहाँ पे इंग्लैंड से जो है फिलिप सॉल्ट और सैम करन को सिलेक्ट कर लेंगे, ऑस्ट्रेलिया से मिचेल मार्श और एडम जंपा को सिलेक्ट कर लेंगे। ये आपको स्मॉल लीग में अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं और स्मॉल लीग आपको आराम से विन करा के दे सकता है। तो इसको आप अपनी टीम में जरूर से जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा अगर आप एसएल खेलना पसंद करते हैं। तो अब बात करते हैं बेस्ट फॉर ग्रैंड लीग। ग्रैंड लीग में ऐसे कौन से प्लेयर के साथ जाएं, किसके साथ रिस्क लें ताकि हम यहाँ पे जो है ग्रैंड लीग विन कर सके। तो जॉर्डन कॉक्स है और यहाँ पे डैन मुसले हैं जिसको आप अपनी टीम में सिलेक्ट कर सकते हैं। इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया से रिले मेरेडिथ और यहाँ पे फ्रेजर मैकगर्क को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके रिस्की प्लेयर हो जाते हैं, इसको रिस्क के साथ आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके अलावे आपको यहाँ पे एक टीम मिल जाएगी, इस टीम में आपको 5 से 6 टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन भी मिल जाएगा और फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। डेथ ओवर बॉलर की बात करें तो यहाँ पे इंग्लैंड से जो है जोफ्रा आर्चर और ब्रेंडन केयर्स को आप अपने टीम में सिलेक्ट कर सकते हैं। जिसको आप सिलेक्ट करेंगे तो काफी अच्छे खासे ये पॉइंट आपको दे सकते हैं और कैप्टन वाइस कैप्टन जो है जोफ्रा आर्चर को बना सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो जॉस हेजलवुड और सीन एबॉट को आप अपने टीम में सिलेक्ट कर लेंगे जो कि डेथ ओवर बॉलर है, काफी अच्छे खासे विकेट निकाल के आपको देने वाले हैं ये, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कर लेते हैं। तो ट्रेविस हेड
बैथल और यहाँ पे डेविड और बार्टलेट को आप अपने टीम में सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपके रिस्क वाले कैप्टन वाइस कैप्टन हो जाते हैं। ट्रेविस हेड इसलिए रिस्क होते हैं क्योंकि भाई ये आते हैं और एग्रेसिव मूड में खेलते हैं, आते हैं और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, तो ये हो सकता है जीरो में भी जा सकते हैं, कुछ कम रन यानी 20-50 नहीं भी बनाएंगे उससे पहले भी जा सकते हैं, ठीक है, तो कुछ इस तरह से है। और कम बॉल पे ये ज्यादा भी रन बना के जा सकते हैं, तो इस तरह से ये खेलते हैं कि क्या ही बताएं, मतलब टीम को जो है ये तुरंत जो है प्रेशर से निकाल देते हैं। अगर इनको आप सिलेक्ट करते हैं और ये भाई चल जाते हैं तो आप यहाँ पे अच्छे खासे अमाउंट विन कर सकते हो, इसलिए हम इसको रिस्क वाले टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएंगे। सेफ वाले में जो है आपको कैमरन ग्रीन, सीन अबाउट, जोफ्रा आर्चर और लिविंगस्टन को बनाना है, जो आपको अच्छे खासे पॉइंट देंगे और यहाँ पे आप विनिंग जोन में बने रहेंगे और आप यहाँ पे जो है लूज नहीं करेंगे। आप जितना अमाउंट इन्वेस्ट करें हैं उससे कई ज़्यादा आपके लौट के आएंगे और आप यहाँ पे हमेशा विन करेंगे, ठीक है, विनिंग के चांसेस आपके यहाँ पे बने रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा रोटेशन प्लेयर की बात करें, लिविंगस्टन की जगह पे मिचेल मार्श को सिलेक्ट कर सकते हैं, हार्डी की जगह पे आप यहाँ पे शमकरन को सिलेक्ट कर सकते हैं, पी सॉल्ट की जगह पे जॉस इंग्लिश को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बोलेंगे कि आप यहाँ पे जॉस इंग्लिश और पी सॉल्ट दोनों को ही सिलेक्ट करें एक टीम में, और दूसरी टीम में आप जॉस इंग्लिश के साथ जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा टीम, इस टीम में हमने विकेट कीपर में लिया है पी सॉल्ट को, और यहाँ पे ट्रेविस हेड, लियाम लिविंगस्टन, ठीक है, यहाँ पे स्टोनिस, एम सॉट, सैम करन और यहाँ पे विल जैक्स और यहाँ पे सी ग्रीन को हमने सिलेक्ट करा है, ठीक है, आदिल रशीद, सीन अबॉट और यहाँ पे एडम जंपा को हमने सेलेक्ट करा है, तो कुछ इस तरह से हमने प्लेयर सेलेक्ट करे हैं। तो आप चाहें तो इसको पॉज करके देख सकते हैं। बाकी बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो 5 से 6 टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन में फर्स्ट टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कुछ इस तरह से, ठीक है, कैप्टन जो है ट्रेविस हेड, वाइस कैप्टन यहाँ पे सैम करन, ये आपके फर्स्ट टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाता है। लिविंगस्टन और यहाँ पे आप बना सकते हैं सीन अबॉट को, ठीक है, सीन अबॉट को, ये आपके सेकेंड टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाता है। थर्ड टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन आपको यहाँ पे एडम जंपा और सीन अबाउट हो जाता है, जो कि आपके थर्ड टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन बॉलर से ही हो जाते हैं दोनों के दोनों, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा एम सॉट और यहाँ पे ट्रेविस हेड को बना सकते हैं, ये आपके हो जाते हैं यहाँ पे फोर्थ टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन, ठीक है। स्टोनिस और यहाँ पे पी सॉल्ट को बना सकते हैं, ये आपके फिफ्थ टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन हो जाते हैं। कुछ इस तरह से हो जाता है, 5 टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन आपको मिल चुका होगा, सिर्फ और सिर्फ अगर आप ऑलराउंडर में कैप्टन वाइस कैप्टन करना चाहते हैं तो यहाँ पे सैम करन और यहाँ पे सी ग्रीन के साथ जा सकते हैं, या फिर एम सॉट और सी ग्रीन के साथ जा सकते हैं, ये आपके 6 टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाता है। आप चाहें तो इसको पॉज करके देख सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद, जय भारत।